सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको सबको पता होना चाहिए कि जलसा कल है और लग ऐसा रहा है कि जलसा ये अभी होगा। पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो सब, उन्होंने भी यहाँ पर माजी करीब में जलसा कर चुके हैं, तो वो जलसे वाले दिन भी इतने लोग नहीं लेकर आए थे जितने माशाल्लाह हम लोग अभी से आज से जलसे की तैयारी। तो खान साहब ने जो पैगाम दिया कौम को, तो कौम तक पहुँच गया और खान साहब के साथ कौम खड़ी है। इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि पाकिस्तान का नहीं, बरसगीर का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। तब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबको पता था कि यहाँ ख़जाने में जब खान साहब आए थे तो 10 दिन का भी हमारे पास कुछ नहीं था। अभी माशाल्लाह 22 अरब थे हमारे पास, और जब हमारे पास अगर ख़जाना नहीं तो ये कैसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पैकेजेस कैसे दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि साफ़ी जो हमारे यहाँ पर साफ़ी है वो तो उनके लिए तो बुके खुल गए हैं, डिनर वगैरह सब उनको हो रहे हैं, उनको लिफाफे मिल रहे हैं, तो वो ये चीज़ दिखा रहे हैं। तो हमारी साफ़त तो तकरीबन गिने चुने कुछ लोग हैं जो साफ़त है, बाकी तो साफ़ी साफ़त के नाम पे ऐसे दबाएं। तो आपके सामने ये चीज़ें हैं। इनका मकसद सिर्फ ये था कि अपने मफाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने कौम के लिए नहीं खड़े होने। जब खान साहब चला रहे थे लंगर खाने भी चल रहे थे, पना गाहें भी चल रही थी, तो अब क्यों नहीं चल रही है? अब इन्होंने आते ही सबसे पहले तीन घरों को तो कैंप डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पर इनके जो मनपसंद साफ़ी है और वो सारी चीज़ें उनको तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है, खाने पीने सब कुछ मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जायदादें बन रही, तो आवाम के लिए क्यों नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं समझते, हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। और ये ग़ुलाम लोग हैं, ग़ुलाम ज़हनियत है, इनको पता है कि ओवरसीज़ लोगों में शऊर है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन्होंने वो बाहर देख चुके हैं कि पाकिस्तान से बाहर लोग किस तरह रहते हैं, तो उनको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि वो लोग ग़ुलामी को पसंद नहीं करेंगे। और ये ग़ुलाम लोग हैं, तो ये ग़ुलाम इनकी जितनी सोच है, जितने भी इनके फैसले, सब में आपको ग़ुलमाना जो इनकी है वो सब चीज़ नज़र आएगी। पहले से तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है और कौम को पैगाम है कि निकलें, इमरान खान के साथ निकलें। ऐसा लीडर सदियों में एक पैदा होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि हम खान साहब के साथ हैं और पूरे पाकिस्तान के आवाम साथ हैं। तो आप निकलें, खान के साथ निकलें इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये लेकिन वही बात है कि नेकी करने की तौफीक और गुनाहों से बचने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, तो इनको अल्लाह ने वो तौफीक नहीं दी कि ये लोगों की खिदमत कर सके। तो इंशाल्लाह ये बेनकाब होंगे, हो चुके हैं और आवाम भी इनको पहचान चुकी है, इसलिए आवाम निकल